हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ छाया और मेरे किचन में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही इजी तरीके से 5 मिनट में 3 तरह के टेस्टी रायते की रेसिपी बनाएंगे। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले गैस ऑन करके पैन में 1/2 कप मखाना डालेंगे। मखाने को 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। भूनने से मखाने की नमी दूर हो जाएगी और मखाने क्रिस्पी हो जाएंगे। 2 से 3 मिनट मखाने को हमने भून लिया है। अब हम इसे निकाल कर अलग रखेंगे। अब हम लेंगे 2 कप फ्रेश और गाढ़ा दही। दही हमें ताज़ा और गाढ़ा लेना है, खट्टा दही नहीं लेना है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप या 3 टेबल स्पून चीनी, 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काला नमक, 1/2 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर, 1/2 टीस्पून पुदीना पाउडर। अब हम दही को अच्छे से फेंट लेंगे। दही को हमने अच्छे से फेंट लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। पानी आप रायते में थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं, पर ये रायता हम पुलाव के साथ सर्व करेंगे तो रायते को थोड़ा गाढ़ा रखेंगे। रायते का बेस बनकर तैयार है। अब हम इसे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे क्योंकि हम 3 तरह के रायते बनाएंगे। 3 भागों में बांटने के बाद अब हम एक बाउल में रोस्टेड मखाना डालेंगे। एक बाउल में डालेंगे 4 से 5 बड़े चम्मच बूंदी। एक बाउल में अब हम डालेंगे 1/2 कप बारीक कटी हुई प्याज। तीनों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तीनों को मिक्स करने के बाद अब हम रायते के लिए तड़का बनाएंगे। पैन में 1 चम्मच तेल डालकर गर्म करेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और अब हम इसमें डालेंगे 2 पिंच हींग, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1/2 टीस्पून जीरा और अब हम तड़के को रायते में डालेंगे। तीनों रायते में हम थोड़ा थोड़ा तड़का डालेंगे। अब हम तीनों रायते में बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और अब हम रायते को गार्निश करेंगे। ऑनियन रायते को कटे हुए ऑनियन से गार्निश करेंगे। बूंदी के रायते को बूंदी से गार्निश करेंगे। मखाने के रायते को हम काजू से गार्निश करेंगे। तो बहुत ही आसान ये 3 तरह के रायते बनकर तैयार है। इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।